उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर तेज रफ्तार मारुति वैन की टक्कर से अपनी तैनाती स्थल से वेतन बनवाने के लिए उपस्थिति रजिस्टर लेकर जिला मुख्यालय स्थित कबर ए ब्लॉक कार्यालय आ रहा बाइक सवार पंचायती राज विभाग में तैनात सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल कर्मचारी को अनन फनन में एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सफाई कर्मचारी की मौत की खबर सुन पंचायती राज विभाग में शोक की लहर दौड़ गई, तो वहीं हादसे में सफाई कर्मी की मौत की खबर सुन साथी कर्मचारी सहित डीपीआरओ ने जिला अस्पताल पहुंच मृतक के परिजनों को संतावना देकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मोहब्बत से इजाज कुरैसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दीपचंद। क्या घटना हुई है? हमारे चाचा जो है कहा थे कि धरावन में ड्यूटी करते थे, और धरावन में जो है ड्यूटी करके पेरोल भरवा कर और जो है धरावन में जो है का वो कबराई ब्लॉक महोबा में जमा करने आ रहे थे, जो कबराई के पास पचपारा मोड़ में उनका एक्सीडेंट हो गया ओमनी गाड़ी से। काहे में सवार थी? ये मोटरसाइकिल में सवार थे। तो ये मतलब किस विभाग में तैनात थे, क्या थे ये? जिला पंचायत पंचायती राज विभाग में तैनात थे। और किस पद पर थे? सफाई कर्मी के पद पर थे। अच्छा, अभी क्या कार्रवाई चल रही है? अभी तो अब देखो सीएमओ साहब को फोन किया गया है पोस्टमार्टम के लिए, कैसा क्या है। तो मौत इनकी वहीं हो गई थी कि इलाज के दौरान हुई है? ये इलाज के दौरान में हुई है मौत इनकी। जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में। हमारे सर क्या मामला है कि किसकी मौत हुई है? ये हमारे कार्यालय के सफाई कर्मी हैं, जो अपने ग्राम पंचायत में तैनात स्थल से विकास खंड के लिए वापिस आ रहे थे। रास्ते में किसी गाड़ी ने इनको धक्का मार दिया, जिससे इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। तो अभी इनके शव को हम लोग पोस्टमार्टम करा करके अभी इधर भेजने का व्यवस्था बना रहे हैं। थैंक यू।